युवती के अपहरण की कोशिश पुलिस ने की नाकाम। छह अपहरणकारी गिरफ्तार। लव जिहाद, प्रलोभन देकर अपहरण आदि कई मामले राज्य में घटित हो रहे हैं। इस संदर्भ में आज भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती सरलपाड़ा गांव की एक नाबालिग लड़की को कोकराझाड़ के भोट गांव के निवासी मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में छह अपहरणकारी नाबालिग लड़की की अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वालों की सजागता से कोकराझाड़ पुलिस ने इन छह अपहरणकारियों को गिरफ्तार किया। इन छह अपहरणकारियों में एक पुलिस में होमगार्ड भी है। मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती करते हैं, फिर उनसे बताया जाता है कि उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से लड़की को फेमस कर देंगे और उसके मॉडलिंग और नाच गाने की लाइफ को सेटल कर देंगे। फेमस करने का प्रलोभन देकर एक बोलेरो गाड़ी में छह युवकों ने नाबालिग को उठाकर ले जाने की कोशिश की। इसकी जानकारी जब गाँव वालों को मिली तो गाँव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और इन छह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाड़ी जब्त किया और नाबालिग युवती को बरामद किया। इन छह अपहरणकारी में एक पुलिस का होमगार्ड भी शामिल है। अभी तक जो तथ्य हमारे हाथ में है उन फैक्ट्स के बेसिस पर हमें बता पाएंगे कि जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला, एज है उसका 18 साल और वो डोटमा का रहने वाला है। तो वो जो एक विक्टिम लड़की है, विक्टिम लड़की के साथ फेसबुक में उसका कांटेक्ट हुआ था और फेसबुक में कांटेक्ट होने के बाद उसने उस लड़की को बताया, विक्टिम लड़की को बताया। विक्टिम लड़की का नाम हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉ। तो उसको उसने बताया कि उसका एक फेसबुक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल में उस लड़की का वो वीडियो अच्छे से बता देगा। वायरल करने की वजह से क्या है कि उसके वजह से उसको मॉडलिंग या बाकी किसी अलग अलग चैनल में या बाकी जगह में करियर के लिए चांस मिल सकता है। ऐसा एक झूठ मूठ का उसको एक तरीके से प्रलोभन दिखाया, एक झूठी चीज़ें बता के, और फिर सरलपारा जब गया तो उसने बताया कि वीडियो निकलवाने के लिए आपको कोकराझार आना पड़ेगा। ऐसे झूठे तरीके से बोल के और भी उसके साथ जो पाँच और एक्यूज्ड है उनके साथ में एक बोलेरो गाड़ी जो इस केस में सीज हो चुकी है उसको, लड़की को लेके वो लोग कोकराझार आ रहे थे। बट थैंक्स टू पब्लिक ऑल्सो, जो वहाँ पे जागरूक नागरिक है उनके मदद से बिस्मुरी थाने में उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अभी लेके गए हैं और लड़की को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। उसमें जो पांच लड़के पकड़े गए हैं उसमें एक असम पुलिस का होमगार्ड भी उसमें था जो ड्राइविंग कर रहा था, उसको भी हमने इमीडिएटली अरेस्ट की है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कोकराझार से गोपाल प्रसाद की रिपोर्ट, लाइट ऑफ लाइफ।